रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। इस खूंखार आतंकवादी की पत्नी बनने जा रही है रामायण की सीता। लोग बोले डूब मरो रामानंद सागर के फेमस शो रामायण में सीता का रोल कर पॉपुलर हुई दीपिका चिखलिया इन दिनों कश्मीर में हैं। वे वहां अपकमिंग फिल्म गालिब की शूटिंग कर रही हैं। डायरेक्टर धीरज मिश्रा की इस फिल्म में दीपिका को आतंकी अफजल गुरुवार की पत्नी का रोल करते देखा जाएगा। आखिरी बार राजेश खन्ना के साथ फिल्म खुदाई 1994 में नजर आई दीपिका 24 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। गालिब की कहानी दरअसल अफजल गुरु की फांसी के बाद से शुरू होती है। कैसे उसकी बीवी अपने बेटे में बदले की भावना का संचार नहीं होने देती, हथियार की जगह कलम उठाने को इंस्पायर करती है। नतीजतन अफजल का बेटा कैसे जम्मू कश्मीर बोर्ड के 10वीं और 12वीं के एग्जाम्स में 90% से ज्यादा नंबर लाता है, फिल्म उस सफर के बारे में है। दीपिका इस फिल्म को लेकर संशय में थी कि संसद पर हमले के मास्टरमाइंड की बीवी का रोल प्ले किया जाए या नहीं। धीरज मिश्रा से कहानी सुनने के 6 महीने बाद उन्होंने फिल्म को हाँ कहा। अफजल गुरु का रोल कश्मीरी कलाकार मीर सरवर निभा रहे हैं, जो इससे पहले बजरंगी भाईजान में मुन्नी के पिता का रोल प्ले कर चुके हैं। फिल्म में दीपिका के रोल का नाम शबाना है। गालिब गुरु का रोल निखिल पितले निभा रहे हैं।